नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल में स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज आपको दिखाते हैं गंगोत्री की यात्रा के कुछ सीन। और गंगोत्री और अब जो आप हम आपको जो वादियाँ दिखा रहे हैं वो हर्षिल की, जी हाँ, जहाँ राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई थी हर्षिल में, हर्षिल की वादियाँ गंगोत्री। तो आगे हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे एक ऐसा तालाब, एक ऐसा तीर्थ जहाँ पे वो लोग जाते हैं बड़ी कठिनाई से। उनका कुल देवता का स्थान वहाँ पे है और 10 दिन का वो गांव वाले 10 दिन का दूध इकट्ठा करके फिर 10वें दिन उसको पहाड़ी पे बड़ी कठिनाई से लेके चढ़ते हैं। और 10 दिन गाय भैंस का जिसके भी घर में दूध होता है वो उसको यूज़ नहीं करते, बरतते नहीं है, इकट्ठा करते हैं। दूध खराब नहीं होता 10 दिन तक। 10वें दिन उसको अपने कुल देवता के उस पहाड़ी वाले तालाब पे लेके जाते हैं। वहाँ उस तालाब में उसका अभिषेक करते हैं। जैसे ही उस तालाब में दूध को डालते हैं, दूध पानी में मिक्स नहीं होता बल्कि वो पाताल में चला जाता है। या तो दूध उस जल में डालते दिखते हैं या बिल्कुल वहाँ से लुप्त हो जाता है, वो पानी में बिल्कुल नहीं फैलता। तो हम वीडियो की लास्ट में आपको विस्तार से दिखाएंगे और बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में और भी बहुत से धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, देवभूमि है बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल प्राकृतिक का एक अलग ही आनंद है, सुकून है। कभी भी आप जाएँ तो उत्तराखंड में इन जगहों पे जरूर जाके आना। जो लोग यहाँ पे बसते हैं वो धन्य हैं बिल्कुल, उनकी किस्मत उनके कर्म है जो यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए हम आपको बिल्कुल विस्तार से अगली वीडियो में बता देते हैं, दिखा देते हैं। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से करीब 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के ये दाहिने ओर का प्रवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहरी है। यह स्थान उत्तरकाशी के 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजा घराने से द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया आखा तीज को पावन पर्व पर खुलता है जी, और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इतिहास में बताते हैं कि गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ जिसका इतिहास 700 वर्ष पुराना है। 700 वर्ष पुराना है। इसके पहले भी अनजाने कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। जैसे जैसे जिसको जो मिलता गया वो उसके बारे में पता करते गए, क्योंकि पुराने काल में चार धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन्हें दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम और बड़ी कठिन थी। इसलिए वर्ष 1980 में के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी और तब से इस शहर का विकास द्रुत गति से हुआ। गंगोत्री शहर तथा मंदिर का इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा है। प्राचीन काल में यह मंदिर नहीं था, भागीरथी शिला के निकट एक मंच था जहां यात्रा मौसम के 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी जाती थी। इन मूर्तियों को गांव के विभिन्न मंदिरों जैसे श्याम प्रयाग, गंगा प्रयाग, धरातली तथा मुखवा आदि गांवों से लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद फिर उन्हीं गांवों में लौटा दिया जाता था। गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण इसी जगह किया जहां राजा भागीरथी ने तप किया था। मंदिर में प्रबंध के लिए सेनापति थापा ने मुखबा गंगोत्री गांव से पंडों को भी नियुक्त किया, विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त किया। इसके पहले टकनोर के राजपूत ही गंगोत्री के पुजारी थे। माना जाता है कि जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय ने 21वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई थी। ईटी एक्ट किस ने द्वारा एंड किस ने हिमालय वॉल्यूम भाग में वर्ष 1882 की बात में उसमें लिखा गया है कि अंग्रेजों के टकनोर शासन काल में गंगोत्री प्रशासनिक इकाई पट्टी तथा परगने का एक भाग था।
वह उस मंदिर के ढांचे का वर्णन करता था जो आज है। एंड किस आगे बताते हैं कि मंदिर प्रवेश के अंदर कार्यकारी जो कार्यकारी है वो ब्राह्मण पुजारी के लिए एक छोटा सा घर था तथा बाहर से तीर्थयात्रियों के लिए लकड़ी का छायादार ढांचा था। ये बहुत पुराने समय की बात है। अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो आपको पहले इस पहाड़ी का दर्शन करा देते हैं। देखिए, जो गंगोत्री के धाम के पास एक ऐसा गांव है, इस गांव की पहाड़ी पे देखिए इनका ये ऊपर तालाब है, वहाँ शिव का छोटा मंदिर है जो इनके कुल देवता हैं, और वादियाँ हम आपको दिखा रहे हैं आसपास की। अगली बार विस्तार से बताएंगे, अभी आप पहले ये दर्शन कीजिए, देखिए किस प्रकार कठिनाई से ये हमारे भक्त लोग चढ़कर आए हैं ऊपर, बिल्कुल ही कठिनाई से लेट लेट कर इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कहीं गिर ना जाए, बिल्कुल खतरनाक रास्ते हैं। हर कण कण में भगवान बसता है, भगवान इनकी रक्षा करता है। देखिए हमारे दो तीन भक्त और किस प्रकार से ये लेट लेट कर चढ़ रहे हैं, घास फूस को पकड़ पकड़ कर। इधर आस पास में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, यहाँ हमारे साथ जो गार्ड है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं अलग अलग प्रकार की। इस स्थान की बहुत ही महत्वता है, यहाँ बहुत ही कम लोग आ पाते हैं बाहर के आउट एरिया के, हरियाणा पंजाब यूपी बिहार से बहुत बहुत कम, एक दो व्यक्ति ही यहाँ पे आ पाता है। अभी हम 8-10 भगत भगवान की कृपा से, गंगा माता की कृपा से इधर पहुँचे हैं। देखिए हमारे बुजुर्ग, सबसे बड़ी बात है हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं ये भी बड़ी आस्था के साथ आहिस्ता आहिस्ता दर्शन को पहुँच चुके हैं। काफ़ी लंबा रास्ता था हमें, हम सुबह 7 से 8 बजे तक नीचे पहाड़ी से चले थे, तो अभी साय के 3, 3:30, 4 का समय हो चुका है। काफ़ी घंटे हमें पूरा दिन निकल गया, और कुछ कुछ दूरी पर यहाँ बारिश होती रहती है, हमने बिल्कुल कम ही समय में आपको ये वीडियो दिखाई है। अगली वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे और अगली तीर्थ यात्रा पे आपको अन्य जानकारी देंगे, दर्शन कराएंगे। दोस्तों आप कहाँ की जानकारी चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से बताइए, जितना हमें पता होगा हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, और वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी वजह से हमें हौसला हो। लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। पास में जो बैल है उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। खुश रहो, भगवान से माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय शिव गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।